हमारे ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। हाल ही फिलहाल मैंने जो बजट देखा, ओवरऑल बजट बहुत अच्छा था। बजट जो होता है वो फ्यूचर को देख के बनाया जाता है और देश का फ्यूचर आने वाले 25 सालों के लिए जो प्लान करके बजट बनाया गया है वो सभी दिशाओं में विचार विमर्श करके और सोच समझ के बनाया गया हुआ। मैं सहमत हूँ इस बजट को लेकर और कहीं ना कहीं इस बजट से देश का तरक्की होगी, देश डेवलप करेगा और हर इंसान का डेवलपमेंट जरूरी इसमें अवश्य होगा, ये मेरा विचार। थैंक यू, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।